हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हुए था होमवर्क क्वेश्चन। तो मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को कल होमवर्क दिया था, और जैसा कि अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो एक तो हिंट वही काफ़ी है कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से सॉल्व हो रहा होगा ज़्यादातर। तो कैसे स्टार्ट करें, तो एट प्रेजेंट मोमेंट तुम देखोगे कि अभी तो जो हर एक टर्म लिखी है, जो एलिमेंट्स हैं डिटरमिनेंट के, वो एक एक टर्म लिखा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस क्यू एंड सो ऑन। बट जैसे कि मैंने डिटरमिनेंट में बोला था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में, कि जो हमारे टर्म्स होंगे ना, जो डिटरमिनेंट्स के टर्म्स होंगे, वो दो या तीन का एडिशन होगा। तो एट प्रेजेंट मोमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा दो या तीन का टर्म, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा, उसके बाद क्लिक करेगा वो चीज। तो पहले मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कॉस ऑफ ए माइनस बी का, क्या होता है हमारा, इधर साइड में लिख लेता हूँ, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं सारे टर्म्स में, तो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉस ऑफ ए माइनस बी, अच्छा मैं शॉर्ट में लिख लूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख लेता हूँ ऐसे सफिक्स, कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, ठीक है, ये हमारा पहला टर्म हो गया। फिर कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, फिर ये मेरा हो गया कॉस ए कॉस आर साइन प्लस साइन ए साइन आर, ये मैंने दिया। उसके बाद ये वाला हो गया मेरा कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, फिर ये हो गया कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, दिस इज कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, एंड दिस विल बी कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, दिस इज कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, एंड माई लास्ट टर्म इज कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे ओपन कर लिया। अब मुझे क्लिक करना चाहिए क्या चीज, कि जो हर एक टर्म है डिटरमिनेंट का, दैट इज एडिशन ऑफ टू टर्म्स। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट में क्या बोला था, कि अगर दो टर्म्स का एडिशन दिख रहा है, तो हम एज्यूम कर लेंगे थर्ड इज जीरो इंटू समथिंग। तो मैंने मान लिया कि इधर जीरो इंटू समथिंग लिखा है। अब फिर मैंने बोला था कि कैसे पहचाने कि ये डिटरमिनेंट किन दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट लिखा है। अब देखना, एक ही स्टेप बचा है हमारा, तो हम क्या देखेंगे कि कौन सी चीज, लेट्स से मैंने रो वन पकड़ा, तो मैं देखूंगा कौन सी चीज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो दिखेगा कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए, इसका मतलब क्या है कि हमारा एक डिटरमिनेंट के अंदर जो हमारा रो होगा या कॉलम होगा, कुछ भी बोल लो, दैट इज कॉस ए साइन ए और जीरो, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कॉस ए साइन ए एंड इट इज जीरो। अब मैंने क्या बोला कि ये रो, इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट रो मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए। अब मेरा इधर कॉस ए लिखा है, कॉस ए के साथ मुझे क्या चाहिए, कॉस पी, तो मैंने इस डिटरमिनेंट में क्या लिख दिया, कॉस ऑफ पी। फिर साइन ए क्या चाहिए, साइन पी, तो इधर मैंने लिख लिया साइन ऑफ पी एंड यर इट इज जीरो। तो अभी तक तो एडजस्ट है मेरा, मतलब ये तीन एलिमेंट्स को इन तीन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट दिस टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ कि हमने ये वाला रो पकड़ के रखा, अब मेरे को ये इसका फर्स्ट रो और इसका सेकेंड रो मल्टीप्लाई होके ये आना चाहिए, तो कॉस ए इंटू क्या लिखा है, कॉस क्यू, तो इधर आएगा कॉस ऑफ क्यू। फिर ये साइन ए साइन ए साइन क्यू, तो इधर आएगा साइन ऑफ क्यू एंड अगेन हियर इट इज जीरो, एडजस्ट हो गया। अगेन दिस वन रो वन गेट्स मल्टीप्लाइड विद रो थ्री टू गेट दिस, तो देखते हैं कैसे। तो कॉस ए कॉस ए कॉस के साथ कॉस आर दे रखा है, तो इधर क्या आएगा कॉस आर। फिर इधर साइन ए के साथ क्या देखा है, साइन आर, तो साइन ए इधर साइन आर और अगेन इट इज जीरो। तो हमारी रो वन तो एडजस्ट हो गई। अब हम रो टू पे आते हैं, तो रो टू पे क्या दे रहे हैं, कॉस बी कॉस पी, तो कॉस पी और साइन पी, तो देखो कॉस पी साइन पी इधर दिखा है, तो इसका रो टू इसके रो वन से मल्टीप्लाई होके ये मिलना चाहिए, तो मेरा इधर क्या आएगा कॉस बी, तो देखो कॉस बी इंटू कॉस पी कॉस बी कॉस पी, फिर साइन बी साइन पी, तो साइन पी इधर है, तो इधर क्या लिखूंगा साइन बी एंड अगेन इट इज हियर इट इज जीरो। तो मैं अगला थर्ड रो पे जंप करने से पहले मैंने क्या बोला था, यू हैव टू वेरीफाई दीज टू एलिमेंट्स ऑल्सो। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने लिखा है इधर रो टू वो एडजस्ट हो रही है या नहीं। तो दिस रो टू विल गेट मल्टीप्लाई विद रो ऑफ द रो टू ऑफ द सेकंड डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा कॉस बी कॉस क्यू कॉस बी कॉस क्यू साइन बी साइन क्यू साइन बी साइन क्यू, और फिर ये वाला एलिमेंट वेरीफाई करते हैं, तो कॉस बी कॉस आर
प्लस साइन बी साइन आर, साइन बी साइन आर, तो हो गया एडजस्ट, मतलब परफेक्ट लिखा है हमने अभी तक। नाउ लास्ट इज, अब ये जनरेट करना है मुझे, तो इसका रो थ्री इसका रो वन मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को ये मिलेगा। तो इधर क्या है, कॉस पी है और साइन पी है, तो कॉस पी साइन पी है, तो कॉस पी के साथ मुझे क्या चाहिए, कॉस सी, तो इधर क्या आएगा, कॉस सी, और उधर साइन पी के साथ क्या चाहिए, साइन सी, तो ये वाला साइन पी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, साइन ऑफ सी, और ये जीरो। अगेन अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों एलिमेंट्स को और वेरीफाई करूँगा कि इसका रो थ्री इसके रो टू और रो थ्री से मल्टीप्लाई होकर ये और ये रिस्पेक्टिवली मिल रहा है या नहीं। तो कॉस सी कॉस क्यू, कॉस सी कॉस क्यू, साइन सी साइन क्यू, साइन सी साइन क्यू, परफेक्ट है। कॉस सी कॉस आर, कॉस सी कॉस आर, साइन सी साइन आर, साइन सी साइन आर, तो मतलब परफेक्ट लिखा है हमने, ठीक है ना। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू डिटरमिनेंट यू विल गेट दिस डिटरमिनेंट, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी कि इस डिटरमिनेंट का एंटायर कॉलम थ्री इज जीरो, तो ये हो गया हमारा जीरो। अब जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, वैसे भी ये भी जीरो है क्योंकि इसकी भी कॉलम थ्री क्या है, पूरा जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो वी आर गेटिंग जीरो। तो फाइनली आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लीकेशन से कितना ईजी हो गया, अदरवाइज अगर तुम मान लो सिंपल इसको ओपन करते और फिर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करते तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। दैट यू कैन ट्राई, एक बार कर सकते हो ट्राई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उससे नहीं आएगा, इट कैन कम, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इट्स बेटर वी कैन फैक्टराइज इट, ठीक है ना, हम इसको लिखेंगे दो के प्रोडक्ट में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा पार्ट और बचा है डिटर्मिनेंट में, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस लूँगा, ठीक है ना। वैसे डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक और आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना, उसको आई विल कवर आफ्टर 3D, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मेरा प्लेन वगैरह की इक्वेशंस वगैरह यूज होती है, तो इसलिए मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को अभी के लिए एस्केप कर रहा हूँ। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर मोस्टली फ्रॉम टुमारो, देखते हैं जैसा भी है। और एक बार हमारा वेक्टर और 3D हो जाएगा, उसके बाद अगेन एक क्लास और लूँगा मैं डिटर्मिनेंट के ऊपर, ठीक है ना। इन दैट वी विल सी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अभी के लिए एक छोटा सा रिजल्ट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में तो नहीं आता है लेकिन जेई के लिए। क्या है कि लेट्स से मेरा एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, मैंने लिखा इसको, ध्यान से देखना है, इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट A11, A12, A13, मैं 3x3 का ले रहा हूँ, यू कैन टेक n क्रॉस n का जनरलाइज भी ले सकते हो, बट मैं 3x3 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा A12, सॉरी सेकेंड रो है ना, तो A21, A23, A22 एंड A23, एंड दिस विल बी A31, A32, A33, लेट्स से दिस इज माई डेल्टा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, एक और डेल्टा डिफाइन किया, उसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा सी, डेल्टा सी, या फिर जनरली इन बुक्स में इसको कैपिटल बड़े डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, बट मैं डेल्टा सी बोल रहा हूँ, डेल्टा सी, सी स्टैंड्स फॉर कोफैक्टर। इसको मैंने कैसे डिफाइन किया डेल्टा को, देखना, दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स को इस डिटर्मिनेंट के अंदर उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया। तो मतलब मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम लिख लेंगे C11, दिस इज व्हाट C11 इज, कोफैक्टर ऑफ A11, फिर मैं A12 की जगह उधर क्या लिखूंगा, C12, C12 दैट इज कोफैक्टर ऑफ A12। सिमिलरली आई विल राइट हियर C13, C21, C22, C23, दिस इज C31, C32 एंड C33, दिस इज माई डेल्टा सी, मैंने डिफाइन किया डेल्टा सी, दिस इज वॉट इस, लिख लो इसको, डेल्टा सी इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स विथ इट्स कोफैक्टर। मैंने क्या किया, डेल्टा सी निकालने के लिए सिंपली जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंपली उनके कोफैक्टर से रिप्लेस किया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं डेल्टा की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। हम डेल्टा किसको बोलते थे, जैसे मैंने मान लो एक मिनट के लिए डेल्टा सी को भूल गया, मैंने कहा डेल्टा हम किसको बोलते थे कि हम जब बिल्कुल बेसिक, जब मैंने बताया था हाउ टू इवैल्यूएट 3x3 डिटर्मिनेंट या n x n, तो हम क्या करते थे, कोई भी रो या कॉलम उठाते थे और क्या करते थे, उस रो के, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल रो वन उठाया, तो हम क्या करेंगे, रो वन उठाया तो A11 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके कोफैक्टर से, प्लस A12 उठाया उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, A13 उठाया
उसको मैंने उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो क्या मिलता था मुझे? डेल्टा। मैंने क्या लिखा था? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, याद है वो लाइन? मैंने बोला था इसको याद करो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स कोफैक्टर इज व्हाट? डेल्टा। तो उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, तो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, दिस इज व्हाट माई डेल्टा। ऐसे ही बताया था, सम ऑफ, सम मतलब ये प्लस आया बीच में, सम ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब ये दोनों, किसका प्रोडक्ट? एलिमेंट्स विद इट्स कोफैक्टर। तो इसको ओवरऑल कैसे रीड करूंगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स कोफैक्टर, लिख लो भले लिखना है तो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स कोफैक्टर, विद इट्स कोफैक्टर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स कोफैक्टर विल गिव अस डेल्टा। अच्छा, ये तो मैंने रो वन के रिस्पेक्ट में लिखा है, यू कैन राइट इट विद रिस्पेक्ट टू रो टू, रो थ्री, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम के लिए और लिख लेता हूँ, तो कॉलम के लिए लेट्स से मैं कॉलम वन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? A11 into C11 plus A21 into C21 plus A31 into C31. This will also give me delta only. चाहे मैं रो वन लू, चाहे रो टू लू, कॉलम वन लू, कॉलम टू, मुझे डेल्टा ही मिलेगा। ये तो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ था। अब नया चीज क्या है, न्यू चीज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखो अभी मैंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को अगर मैंने उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो मेरे को क्या मिलेगा? डेल्टा। बिल्कुल करेक्ट है, बट अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने एलिमेंट्स तो मैंने रो वन के लिए और उनको मल्टीप्लाई किया कोफैक्टर ऑफ रो टू या रो थ्री, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, कि एलिमेंट्स तो मैं लेट से मैं रो वन के ले रहा हूं और उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? कोफैक्टर ऑफ रो टू, तो मेरे को मिलेगा जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको लिख लेते हैं। मैंने पहले तो मैथमेटिकली लिख लेते हैं, तो मैंने क्या किया, रो वन उठाया और हमने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके किससे किया? दूसरे रो के कोफैक्टर से। तो मतलब कहने का मतलब मैथमेटिकली A11 into C, लेट से मैं रो कोफैक्टर रो टू के ले रहा हूं, तो C21 प्लस एलिमेंट्स में रो वन के ले रहा हूँ को फैक्टर रो टू के प्लस A13 इंटू को फैक्टर ऑफ रो थ्री। सो ये क्या बोल रहा है रिजल्ट? दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ द को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो या एनी अदर कॉलम। मतलब मैं कॉलम के लिए भी लिख सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉलम वन लिया, तो A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ एनी अदर कॉलम। अगर एलिमेंट्स कॉलम के ले रहे हो तो जो कोफैक्टर है वो भी कॉलम के ही लेने हैं, बट किसी और कॉलम के। तो लेट्स से मैं कॉलम थ्री ले लेता हूँ, इस बार कॉलम थ्री के कोफैक्टर ले लेता हूँ, क्या आएगा? C13 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर C23 प्लस A31 इंटू C33, दिस विल अगेन गिव मी जीरो। गेटिंग द आइडिया? तो इसको लिख लो कि एलिमेंट्स तो मैंने किसी एक रो के लिए और कोफैक्टर मैंने किसी और रो के लिए, तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे? जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 बार मन में बोल लो, ठीक है ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब बोले बोले सर प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेट्स में इसको पहले लिख लो, मैं रब कर रहा हूँ इसको, प्रूफ भी एक लाइन का है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, जैसे मुझे इसको प्रूफ करना है, तो क्या करो, सिंपली इधर C21 उठा के रखो, अपने आप कैंसिल होकर जीरो, यू विल गेट जीरो। क्या बोला मैंने कि व्हेन यू विल पुट कोफैक्टर हेयर, फॉर एग्जांपल चलो मैं रख के बता देता हूं, जस्ट अ सेकंड, तुम एक बार करो, तुम अपने एक बार खुद से वेरीफाई करो, इधर C21, C22 और C23 उठा के रखो, देन यू विल सी कि सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है। मैं एक बार करके बता देता हूं, हालांकि तो मैंने लिखा A11, अब C21 क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1, तो वो तो माइनस वन आएगा, इंटू C21 निकालने के लिए इसका कोफैक्टर क्या होगा? ये गया A12 A33 माइनस, अच्छा मैं A11 कोफैक्टर C21 ले रहा हूँ ना, जस्ट अ सेकेंड, A11 और हाँ इसका C21 का, तो ये गया A12 A33 माइनस A32 A13, फिर क्या आएगा मेरा? प्लस A12 इंटू C22, सो C22 में -1 की पावर 2 + 2, दैट इज 1 ओनली, और इधर आ जाएगा मेरा C22, इसका C22 मतलब A22 का कोफैक्टर, ये गया A11 A33 माइनस A13 A31 एंड लास्टली इधर ही कंटिन्यू कर देता हूँ, प्लस हमारा A13
इंटू सी टू थ्री, तो मतलब माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री फाइव आएगा, तो माइनस वन आ जाएगा, और ए वन थ्री मतलब सॉरी सी टू थ्री मतलब इसका कोफैक्टर, तो ये गया ए वन वन ए थ्री टू, ए वन वन ए थ्री टू, ए थ्री टू माइनस किसका निकाल रहे थे सी टू थ्री का, ये गया ए वन वन सी ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन ए वन टू, ए थ्री वन ए ए वन टू, तो टोटल वी हैव सिक्स टर्म्स। अब अगले स्टेप में तुम लोग कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम व्हेन यू विल ओपन दिस, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस एंड व्हेन यू विल ऐड अप, ऑल टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट, यू विल गेट जीरो। दिस इज व्हाट प्रूफ ऑफ दिस, किसका प्रूफ कर रहे थे अभी हम कि एलिमेंट्स तो मैंने किसी रो वन के लिए लेट से, और कोफैक्टर मैंने किसी और रो के लिए, अगर मैं रो वन के एलिमेंट्स और रो वन के ही कोफैक्टर लेता हूँ तो मुझको सम ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलता है, डेल्टा, और अगर एलिमेंट्स किसी एक रो के कोफैक्टर किसी और रो का तो आई विल गेट सम जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली फॉर कॉलम ऑल्सो, मतलब कॉलम में अगर मैंने सी लेट से कॉलम टू के मैंने एलिमेंट्स उठाए और उनको कॉलम टू के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो आई विल गेट डेल्टा, और अगर मैंने कॉलम टू के एलिमेंट्स उठाए और कोफैक्टर मैंने किसी और कॉलम के लिए और फिर मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट किया तो अगेन आई विल गेट जीरो। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, स्पेशली एडवांस वगैरह में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, तो पहले इसको अच्छे से मेमोराइज कर लिया, लिख लिया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा। अब क्या किया हमने, इन दोनों डेल्टास को मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेल्टा सी को आई एम फाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, मतलब डेल्टा सी मतलब कोफैक्टर से बनने वाला डेल्टा को मैं डेल्टा के टर्म्स में निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, प्रूव कर रहा हूँ इसका डेरिवेशन। तो डेल्टा सी मैंने क्या किया, डेल्टा इंटू डेल्टा सी किया, इसलिए अब मैं इसको इसलिए समझ गया हूँ मैं इसमें क्यों लास्ट में लिया ये टॉपिक, क्योंकि ये इसके लिए मल्टीप्लीकेशन यूज़ होगा। तो अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रो वन उठा के इसके रो वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा इधर, ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू ए वन थ्री सी वन थ्री, इसका रो वन पकड़ा रखा अब उसके रो टू से मल्टीप्लाई किया, तो ए वन वन सी टू वन ए वन टू सी टू टू ए वन थ्री सी टू थ्री प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना, प्लस रह गया ये प्लस, फिर अगेन इसका रो वन इसके रो थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो ए वन वन सी थ्री वन ए वन टू बीच में प्लस सी थ्री टू प्लस ए वन थ्री सी थ्री थ्री, या गेट समझ में आ रहा है, क्या किया मैंने, सिंपली इसका रो वन उठा के इन तीनों के रो से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सिमिलरली व्हाट यू विल डू नाउ, नाउ यू विल टेक रो टू ऑफ दिस, मल्टीप्लाई करोगे इसके रो वन रो टू रो थ्री से, फिर इसको इधर 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 लिखोगे, तो चलो लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ। तो मैंने लिखा ए टू वन, ए टू वन इंटू इसका रो वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सी वन वन प्लस ए टू टू इंटू सी वन टू प्लस ए टू थ्री इंटू सी वन थ्री, फिर अगेन इसका रो टू इसके रो टू से, तो ए टू वन इंटू सी टू वन प्लस ए टू टू इंटू सी टू टू प्लस ए टू थ्री इंटू सी टू थ्री, एंड लास्टली इसका रो टू इसके रो थ्री से, तो ए टू वन इंटू सी थ्री वन प्लस हमारा रो टू उठाया ना मैंने, हाँ ठीक है, तो ए टू टू इंटू सी थ्री टू प्लस ए टू थ्री इंटू सी थ्री थ्री, गेटिंग इट, एंड लास्टली इसका रो थ्री उसके रो वन रो टू रो थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए थ्री वन इंटू सी वन वन प्लस ए थ्री टू इंटू सी वन टू प्लस ए थ्री थ्री इंटू सी वन थ्री। अब इधर लिखते हैं, इसका रो थ्री इसका रो टू, तो ए थ्री वन सी टू वन प्लस ए थ्री टू इंटू सी टू टू प्लस ए थ्री थ्री इंटू सी टू थ्री, फिर लास्टली इसका रो थ्री इसका रो थ्री, तो सी ए थ्री वन इंटू सी थ्री वन प्लस ए थ्री टू इंटू सी थ्री टू प्लस ए थ्री थ्री इंटू सी थ्री थ्री। ठीक है, ये हो गया हमारा व्हाट, डेल्टा इंटू डेल्टा सी, दिस इज अगेन थ्री क्रॉस थ्री डिटर्मिनेंट्स। अब क्या करें, सोचो, वीडियो पॉज करो, अब क्या होगा, बहुत अभी जो हमने दो रिजल्ट पढ़े ना, जस्ट इसको रब कर, इसके लिखने के पहले वो चीज़ यूज होगी, कौन सी चीज़, कि अगर हमने एलिमेंट्स को लेट से रो वन को, रो वन के एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो आई विल गेट डेल्टा, और अगर उस रो के एलिमेंट्स को मैंने किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया देन आई विल गेट जीरो।
तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ये चीज देखो, मैं इधर गोला बना रहा हूं, ये और ये, देखो ध्यान से क्या है, ये क्या लिखा है, रो वन और उसके कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, रो टू उसके कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, रो थ्री और उसके कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। तो ये जो तीनों मैंने सर्कल किए वो क्या होंगे, वो तो डेल्टा होंगे, दीज आर ऑल डेल्टा, दीज आर ऑल डेल्टा, दीज आर ऑल डेल्टा। और बचे हुए जो छह एलिमेंट्स है ना, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, वो जीरो होंगे। कैसे, ये क्या है, रो वन के एलिमेंट्स हैं और कोफैक्टर किसके हैं, रो टू के। तो सम ऑफ प्रोडक्ट अगेन इट इज जीरो यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी। सिमिलरली दिस इज जीरो, 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 गेटिंग इट। इसलिए मैंने वो दो प्रॉपर्टी पहले लिखवाई। अब फाइनली मेरा डेल्टा इंटू डेल्टा सी क्या बन गया, देखना इधर आया डेल्टा जीरो जीरो जीरो, डेल्टा जीरो 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 डेल्टा, देखो कितना आसान आ गया। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, तो किसी भी कॉलम वन या कॉलम टू के, सॉरी रो वन या रो कॉलम वन के थ्रू ओपन कर दो, तो व्हाट यू विल गेट, डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर विच इज डेल्टा क्यूब। और इधर मेरे को क्या मिल जाएगा, एक डेल्टा से एक डेल्टा गया, तो व्हाट यू विल गेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डेल्टा सी इज डेल्टा स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमारा डेल्टा सी क्या था, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स विद इट्स कोफैक्टर। ये जो डेल्टा सी था क्या किया था हमने, जो एलिमेंट्स थे उनको उनके कोफैक्टर से रिप्लेस किया था, तो मेरे को जो डिटर्मिनेंट मिला था दैट इज व्हाट माय डेल्टा सी। तो वो क्या बोल रहा है, डेल्टा इज सिंपली, डेल्टा सी सिंपली डेल्टा स्क्वायर। तो ये तो मैंने क्या किया तुम लोगों के लिए, 3x3 का लिया, ठीक है ना, फॉर कैलकुलेशन कम हो जिससे दिखने में। अगर मान लो n x n होता तो मेरा फर्क क्या पड़ता, खुद सोचो वीडियो पॉज करके। अगर मान लो मैं ये n x n लेता, ये भी n x n लेता, तो व्हाट यू विल गेट, इधर मेरे को n x n डिटरमिनेंट मिलता और फिर मेरा क्या आता, देखना इधर मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, डेल्टा इनटू डेल्टा सी इज व्हाट, ऐसा आता डेल्टा जीरो 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 जीरो, फिर जीरो डेल्टा जीरो 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 जीरो, जीरो जीरो डेल्टा जीरो जीरो जीरो, लाइक दैट वे जीरो 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 डेल्टा डेल्टा डैश, और लास्टली हमें आता जीरो जीरो जीरो, लास्ट में डेल्टा इधर आता। तो व्हेन यू ओपन दिस डिटरमिनेंट, दिस विल बी n x n डिटरमिनेंट्स, तो इधर से क्या मिलता है, जैसे इधर तीन 3x3 था, तो इधर हमें क्या मिला, डेल्टा क्यू। सिंपलली इधर अगर n x n होता तो हमें क्या मिलता, डेल्टा की पावर n, और इधर मेरा क्या लिखा होता, डेल्टा इंटू डेल्टा सी। तो फाइनली मेरे को ये जनरलाइज हो गया, डेल्टा सी इज व्हाट, डेल्टा की पावर n माइनस वन, डेल्टा सी इज व्हाट, डेल्टा की पावर n माइनस वन। तो अब ये जनरलाइज हो गया, तो इसमें n की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा, डेल्टा सी इज व्हाट, डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करो वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है ना, डेल्टा सी इज व्हाट माय डेल्टा स्क्वायर, ओके। चलो तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छे से पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले मेरा मानना यह है कि वीडियो पॉज करो, पहले इसको दिमाग में रिकॉल करो जो भी हमने आज पढ़ा, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, इसी से रिलेटेड पढ़ा, और एक हमने होमवर्क क्वेश्चन किया था। तो एक बार ये टॉपिक रिवाइज करो, मतलब 5 मिनट, उसके बाद फिर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, डेल्टा से इज डेल्टा की पावर एन माइनस वन, लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ओनली, एक इसके बेसिस पे, और फिर जनरलाइज क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर ले रहा हूँ, तो एक लिखो इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल, प्रूव दैट 0CB C0A BA0 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फर्दर वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर एंड फर्दर दिस इज इक्वल टू 4A² B² C², तो एक ही में हमारे 4 प्रूफ हो गए, 3, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में।
तो पॉज करो वीडियो और इसको स्टार्ट करो, सॉल्व करो। अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। तो पहला तो मैं इन दोनों को देख लेता हूँ, फिर फर्दर आई मूव टू दिस। दिस इज मतलब जो मैंने अभी करंट टॉपिक पढ़ा वो इसके बेसिस पे है, ठीक है ना। बट पहले मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये तो क्या लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी डिटर्मिनेंट के साथ। तो ये तो बहुत बोर्ड लेवल का चीज़ हो गई, जीरो सी बी सी जीरो ए बी ए जीरो, इसी को मैं इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। स्क्वायर मतलब दिस इनटू दिस ओनली। तो दिस इज जीरो सी बी सी जीरो ए बी ए जीरो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए इधर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कैसे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब इसका रो वन इसके रो वन से मल्टीप्लाई हो। तो मैंने क्या किया, रो रो ऑपरेशन लगाया, मतलब मल्टीप्लाइंग द डिटरमिनेंट यूजिंग रो रो ऑपरेशन। तो इसका रो इसके रो से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जीरो इंटू जीरो जीरो, सी इंटू सी सी स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका रो वन पकड़ के रखा, अब इसके रो टू से मल्टीप्लाई किया। तो जीरो इंटू सी जीरो, सी इंटू जीरो जीरो, बी इंटू ए बी। तो यू कैन सी ए बी आ रहा है हमारा, ये भी आ गया। सिंपली इट इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, और कुछ भी नहीं था इसमें। और फिर एक और देख लेते हैं। तो रो इसका रो वन इसके रो थ्री से, तो जीरो इंटू बी जीरो, सी इंटू ए सी एंड बी इंटू जीरो जीरो। तो यू गेट दीज थ्री एलिमेंट्स, दैट यू कैन सी कि हमें ये तीनों एलिमेंट्स मिल गए। सिमिलरली अब इसका रो टू उठाओ, इसके रो वन रो टू रो थ्री से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस रो। सिमिलरली इसका रो थ्री उठाओ, रो वन रो टू रो थ्री से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस रो। तो ये तो बहुत ईजी पार्ट था, दिस इज द ईजिएस्ट, ठीक है। अब आते थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज पे। तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक मिनट इस वाले डिटर्मिनेंट को फोकस करो, वीडियो पॉज करो, इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या तुम्हें, इसमें और इसमें क्या तुम्हें कोई रिलेशन दिख रहा है या नहीं। जस्ट सी, मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई कर लो क्या हो, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने बोला जो मैंने एरो बनाया है डबल साइडेड, ये और ये, इनमें इनके इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या। फोकस ऑन दिस माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर है क्या बेसिकली, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ना। अब जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा उसने शायद क्लिक कर गया होगा उसको, कि वो इस ये जो एलिमेंट है ना, दिस इज माई ए वन वन, इसी का कोफैक्टर लिखा है वो। देखो जीरो का कोफैक्टर क्या होगा, ये गया जीरो माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली जो ए बी है, ये ए बी है, वो बेसिकली क्या है, इस सी का कोफैक्टर। देखो कैसे, ये गया जीरो माइनस ए बी, और एक माइनस की पावर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी। सो बेसिकली अगर मैं इसको, ये मेरा क्या है, डेल्टा सी है। अगर मेरा इसको डेल्टा बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको डेल्टा बोल रहा हूँ, स्क्वायर को नहीं डेल्टा को, okay, इसके इसको बोला मैंने केवल डेल्टा, मैंने ऐसे बोला कि लेट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो सी बी सी जीरो ए बी ए जीरो। अगर ये डेल्टा है तो अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी पढ़ा इससे पहले, डेल्टा सी इज व्हाट, एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स विद इट्स कोफैक्टर। तो जीरो का कोफैक्टर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर। इस सी का कोफैक्टर ये गया प्लस ए बी। सिमिलरली इस बी का कोफैक्टर ये गया ए सी। इस सी का कोफैक्टर ये गया जीरो माइनस ए बी और प्लस ए बी हो जाएगा। सिमिलरली यू विल फाइंड दीज एलिमेंट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ये अगर डेल्टा है तो ये डेल्टा सी है, एंड वी नो कि डेल्टा सी इज वॉट, डेल्टा की पावर n माइनस वन, और n मेरा क्या है थ्री, बिकॉज दिस इज थ्री क्रॉस थ्री डिटरमिनेंट। तो इट फाइनली आई एम गेटिंग डेल्टा सी इज वॉट, डेल्टा स्क्वायर। वही मुझे प्रूव करना था, देखो ये डेल्टा स्क्वायर है, ये डेल्टा सी है, एक लाइन हो गया, ठीक है ना, अगर वो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने तो, ठीक है। ओके अब एक पार्ट और बचता है, तो ये तो बहुत ईजी पार्ट है, क्लिक करा कुछ, ये डिटरमिनेंट में स्पेशलिटी है कुछ। सोचो, पॉज करो वीडियो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, कॉपी कर लेना इसको। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर ये डेल्टा है, दिख रहा है कुछ एलिमेंट्स, चलो मैं मार्क करता हूँ, अब क्लिक कर जाएगा जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये दोनों एलिमेंट्स बराबर, ये दोनों एलिमेंट्स बराबर, ये दोनों एलिमेंट्स बराबर, नेगेटिव नहीं है एक दूसरे के। तो सिमेट्रिक एलिमेंट्स मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, दैट मीन्स वॉट, दिस इम्प्लाइज माई डेल्टा इज सिमेट्रिक,
और सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था वो अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला डेल्टा ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, ये होता था ना, देखो ये एच एच, ये जी जी, ये एफ एफ, इसका क्या आता था हमारा ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मुझे पता है कि हमारे लिए ए बी सी क्या है, जीरो है, तो ए बी सी जीरो है तो इसका मतलब एक तो ये चीज़ जीरो हो गई, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यू आर लेफ्ट आउट विथ टू एफ जी एच, और एफ जी एच क्या है हमारा ए बी सी, तो फाइनली हमें डेल्टा क्या मिल रहा है, डेल्टा मिल रहा है टू ए बी सी, और हमें बोला क्या है डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो तो मैं एक मिनट के लिए क्लिक नहीं करता कि ये सिमेट्रिक है तो कोई बात नहीं, फिर हम ओपन करते डायरेक्टली तो भी हमें सिंप्लीफाई करके टू ए बी सी मिलता डेल्टा, बट अगर हमें याद है वो चीज़ मतलब पढ़ाइए तो याद तो होना चाहिए बिकॉज लास्ट क्लास में ही पढ़ा है हमने, तो हमारी चीज़ें थोड़ी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सम अदर क्वेश्चंस, अब मैं मिक्स एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है ना। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा डिटर्मिनेंट यहाँ खत्म हो चुका है, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। एक टॉपिक जैसे कि मैंने बोला सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये टॉपिक रह जाता है, वो टॉपिक आई विल कवर आफ्टर 3D, मतलब पहले मैं वेक्टर लूँगा फिर 3D और उसके बाद एक क्लास डिटरमिनेंट की बाकी रहेगी, वो बाद में होगी बिकॉज उस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें प्लेन वगैरह का यूज़ होता है, टू गेट फील ऑफ इट वी नीड नॉलेज ऑफ प्लेन, तो वो जब ही आएगा जब तुम 3D पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो एक क्लास आई विल टेक आफ्टर 3D। चलो अब आते हैं हम उसके क्वेश्चंस पे, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। देखना कल ये जो क्वेश्चन था कल इनके में 12th वालों के तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनके में उसमें आया था ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा अच्छा लगा मुझे, मिक्स्ड एग्जांपल है एसओटी और इसका डिटरमिनेंट का, तो आई विल टेक इट। तो लिखो, अच्छा ऐसे नहीं लिखा, देखना एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। ये एल एन की टेस्ट सीरीज में आया था, दिस इज ए स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई थ्री का स्क्वायर, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड दिस इज एक्स थ्री माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन का स्क्वायर, दिस इज गिवन एज सी स्क्वायर। और मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उसमें बोला के टाइम्स एक डेल्टा दे रखा है, दैट इज एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, दिस इज इक्वल टू उसने दे रखा है इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या लिखा है इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इसको मैं शॉर्ट नोटेशन में इतने पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, पाई ए प्लस बी माइनस सी ऐसा लिखा है, ठीक है ना। और इधर एक एक्स्ट्रा टर्म है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो, एक नया क्वेश्चन है, यू विल नॉट फाइंड इन बुक्स, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड इन बुक्स, आई थिंक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारे लिए, ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ध्यान से। चलो मैं 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, तुम वीडियो पॉज करो और खुद से सोचो, ठीक है ना। ज़्यादा सीखने मिलेगा एज कम्पेयर टू सिंपली सीइंग द सॉल्यूशन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है बेसिकली, ये क्या लिखा है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस बिटवीन लिखा है x1 y1 एंड x2 y2, सिमिलरली दिस इज वॉट डिस्टेंस बिटवीन x2 y2 एंड x3 y3 एंड दिस इज वॉट डिस्टेंस बिटवीन x3 y3 एंड x1 y1। तो बेसिकली मैंने ट्राइंगल लिया, देखना लेट से दिस इज ए x1 y1, दिस इज, चलो ए भी बाद में बताते हैं, दिस इज वर्टेक्स x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। तो ये ए स्क्वायर क्या दे रखा है, इट इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 x2 y2 उसका स्क्वायर, वैसे तो अंडर रूट आता है डिस्टेंस में, अंडर रूट नहीं दिया इसका मतलब वो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट x1 x2, तो ये मेरा ए हो गया, साइड लेंथ ए हो गया। सिमिलरली ये x2 और y2, तो x2 y एक मिनट x2 y2 और x2 x3, ये तो ये मेरा b दे रखा है एंड लास्टली ये मेरा c दे रखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन इधर से लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं बचता है, यही मेन था कि हमें पहचानना है कि ये डिस्टेंसेस लिखे हैं,
उसने बोला नहीं ऐसा कुछ, उसने सिंपली इक्वेशन लिखी, तो हमें इसको डीबग करना है, हमें बोलना है कि दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लाइक दैट। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। अब हमें पता है, ध्यान से देखो, एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन क्या होता है ट्राइंगल के लिए, याद करो, हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज डेल्टा, यही होता है, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। क्या, एक बार लिख लेता हूँ मैं, हाफ ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन दिस इज वॉट माई डेल्टा। तो मैं इस डिटरमिनेंट को लिख सकता हूँ टू डेल्टा, इसको टू को उधर लेके गया टू डेल्टा। अब एक मिनट, स्क्वायर था क्या उधर, जस्ट अ सेकेंड, इसको स्क्वायर कर लो यार, इसको पुट इट स्क्वायर यार, ठीक है, अब ट्राई करो, मिस हो गया था वो, हाँ, तो अब मैं इसको उधर रख देता हूँ, तो ये हो गया के, तो बाहर लिखा ही है। अब डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर डेल्टा स्क्वायर, फोर डेल्टा स्क्वायर। अब आते हैं इस पे, अब एसओटी यूज होगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, सेमी पैरामीटर, तो दिस इज टू एस, सेमी पैरामीटर का ट्वाइस, एस तो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, बट दिस इज टू एस। अब इसको देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी मैंने एक पैटर्न रिकॉग्निशन बताया था, दिस इज वॉट टू एस माइनस टू सी, दिस इज टू एस माइनस टू सी करके देख लो, टू एस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी, तो ए प्लस बी माइनस सी, सिमिलरली दिस इज 2s minus 2b and lastly this is 2s minus 2a। अब इधर से मैं 2 2 2 2 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 4, तो इधर लिखा रहने दिया k डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 2 2 कॉमन लिया, तो इधर आ गया 16, और इधर क्या बचा, s into s minus a into s minus b into s minus c। अब ये क्या होता है मेरा हीरोज फॉर्मूला, ये तो 9th-10th में पढ़ते हो, एसओटी में ही पढ़े हम, दिस इज व्हाट माय डेल्टा स्क्वायर, तो ये डेल्टा स्क्वायर और ये डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 4, के इज 4। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इस मेंस के लिए तो बहुत अच्छा माना जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट भी यूज हो गया हल्का, एसओटी भी यूज हो गया, डिटर्मिनेंट भी यूज हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, अ गुड क्वेश्चन, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट इसको करना, ठीक है ना, यही मैंने एडवांस की शीट से उठाया था, तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा साइन ऑफ, है बेसिक क्वेश्चन, और साइन ऑफ बीटा माइनस गामा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बीटा साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, एक मिनट, ओके, कॉस गामा माइनस अल्फा, ऐसा लिखा, एक्स नहीं है इधर, गामा माइनस अल्फा, एंड देयर इट इज कॉस ऑफ x प्लस गामा साइन ऑफ x प्लस गामा, इट इज साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये दे रखा है हमें एफ एक्स, और बोल रखा है कि एफ टू इज सिक्स, एफ ऑफ टू इज सिक्स, उसने दे दिया इन्फॉर्मेशन, और हमें निकालना है 1/5 सिग्मा एफ ऑफ आर, यर माई आर इज वेरिएबल, आर गोज फ्रॉम 1 to 25, करो ट्राई, जस्ट ट्राई इट, ठीक है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन मेंस के लिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर मेंस में आता है तो इट इज ट्रीटेड एज अ गुड क्वेश्चन। सो पहले तो हम इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, क्या क्या दिया है, तो देखो उसने केवल हमें एफ टू दे रखा है फंक्शन का, इसका वैल्यू एट टू दे रखा है, और इधर हमारा क्या आएगा, जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1/5 ऑफ आर की जगह मान रखूँ तो एफ वन प्लस एफ टू एंड सो ऑन टिल एफ 25। अब मेरे पास एफ एक्स तो है नहीं कि मैं उसके अंदर एक्स के 1 2 2 1 2 3, एफ एक्स है, लेकिन कहने का मतलब इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें केवल एक्स इजिकल टू 2 पे वैल्यू दे रखी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था तुम्हें कल की क्लास में, आई थिंक कल की क्लास में एक पढ़ाया था, जहाँ मैंने, अब मैं हिंट दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा, एक काम करता हूँ पहले तुम लोग वीडियो पॉज करो, उससे ट्राई करो, सोचो क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है, तो इसने, अब हमें दिख रहा है कि यार इन्फॉर्मेशन तो बहुत कम दे रखी है इसने, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ट्रिकी टाइप का चीज़ हो रहा होगा। तो मैंने बोला कि एफ टू सिक्स है, तो अगर मैंने एक बार मेरा दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक बार मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के देखता हूँ, और वैसे भी एक और हिंट क्या है, इधर कॉस के टर्म्स हैं, इधर साइन के टर्म्स हैं, तो किसी भी एक रो को डिफ्रेंशिएट करूंगा ना तो दूसरी के रो के बराबर आ जाएगा,
ठीक है। तो दिस इज अगेन अ हिंट कि हम इसमें डेरिवेटिव सोच सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। अब एफ डैश एक्स निकालने के लिए मेरे को तीन डिटरमिनेंट्स लिखने पड़ेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ तीन प्लस ये दूसरा और ये तीसरा। अच्छा, सबसे पहले तीसरा डिटरमिनेंट तो जीरो होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि तीसरे डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करते हैं, और थर्ड रो तो अल्फा बीटा गामा की तरह की वो कांस्टेंट है, एक्स इज द वेरिएबल। तो ये तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो जीरो आने वाला है, तो ये वाला डिटरमिनेंट तो खत्म संपला। अब आते हैं इस पे, तो ये तो मैंने एज इट इज कॉपी करा। इसमें रो टू को डिफरेंशिएट करते हैं, तो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट रो टू, साइन का क्या होगा, कॉस। इधर आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा, इधर आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बीटा, एंड हियर इट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस गामा। और ये कॉस ही रहेगा पहली, ये भी कॉस रहेगा, ये भी कॉस रहेगा। क्या किया मैंने इसमें डिटरमिनेंट टू में, रो टू को एज इट इज लिखा, सॉरी रो वन और रो थ्री को एज इट इज लिखा, रो टू को डिफरेंशिएट किया। तो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट रो टू, तो रो वन और रो टू सेम हो जाएंगे। सो आई कैन से दिस डेल्टा इज जीरो। एंड सिमिलरली जब मैं रो वन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो इधर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इधर भी माइनस साइन, इधर भी माइनस साइन, और ये ऑलरेडी साइन 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 थे, ये तो मेरा एज इट इज कॉपी। सो अगेन माइनस कॉमन लेने के बाद रो वन और रो टू सेम बन गए, तो अगेन आई कैन से दिस इज जीरो। तो मेरा एफ डैश एक्स जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वॉट दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज माई एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्योंकि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तभी उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो फंक्शन इज कांस्टेंट, अब उसने दे रखा है एफ टू पे वैल्यू सिक्स है, तो अगर एफ टू सिक्स है तो एफ एक्स ए कुछ भी डालो एफ एक्स में सिक्स ही मिलेगा हमेशा। मैंने कहा एफ वन, सिंस द फंक्शन इज कांस्टेंट देयर फोर एफ वन विल बी इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ थ्री इज इक्वल टू एंड सो ऑन, ऑल विल बी इक्वल टू, लेट्स से लास्ट हमारा एफ 25 दिया है, ऑल विल बी इक्वल टू सिक्स ओनली। तो बस ये सारे वैल्यू 6666 है, कितने हैं 25 हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5। तो बाहर लिखा है कितने बार ऐड कर रहा हूँ, 25 बार, 6 6 6, तो 25 इंटू 6, तो ये 5, ये 5, तो माय आंसर इज 30। एक अच्छा क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर। क्लियर हुआ बच्चों? तो एक बार रिकॉल कर लो इसको, वीडियो पॉज करके क्या क्या किया हमने और कैसे लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रही हमारी, हमने कैसे सोचा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, चलो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऐसे लिख लो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एल एन एक्स ln y ln z, इधर लिखा है ln 2x, इसमें log का थोड़ा सा यूज होगा, हल्का फुल्का, बस और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये, जस्ट इसलिए करा रहा हूँ जिससे log भी रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा थोड़ा सा। ln 2z ln 3x ln 3y ln 3z, उसमें बोला है इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ln p फाइंड p, उसने बोला ये डिटरमिनेंट एल एन पी के बराबर है, तो वी हैव टू फाइंड पी। अगेन पॉज करो वीडियो और एक बार खुद से ट्राई करो। हाँ, मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। तो इसमें दिख रहा है वैसे ज़्यादातर लोग को समझ में आ गया होगा, क्लिक कर गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम इधर, एल एन ऑफ ए बी इज एल एन ए प्लस एल एन बी, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग का, लॉग ऑफ ए इन टू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो रो वन तो एज इट इज लिख लिया मैंने, एल एन एक्स एल एन वाई एल एन जेड। अब रो टू पे आता हूँ, तो एल एन टू एक्स क्या होगा, एल एन टू प्लस एल एन एक्स, एल एन टू प्लस एल एन एक्स, जो हो जाएगा एल एन टू प्लस एल एन वाई, एंड दिस विल बी एल एन टू प्लस एल एन जेड, एंड हियर इट विल बी एल एन थ्री प्लस एल एन एक्स, इट इज एल एन थ्री प्लस एल एन वाई, इट इज एल एन थ्री प्लस एल एन जेड, दिस इज गिवन एज एल एन ऑफ पी। अब क्या करें, अब वेरिएबिलिटी को हटाने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई जेड एल एन टू एल एन थ्री वगैरह तो कॉन्स्टेंट है, तो अगेन कोई भी बता सकता है ये चीज़, तो हम क्या कर सकते, क्या करेंगे, रो टू और रो थ्री में से रो वन घटा देंगे, सो दैट इधर एल एन एक्स है एल एन वाई एल एन जेड वो हट जाएगा, इधर एल एन एक्स एल एन वाई एल एन जेड हट जाएगा, तो कॉन्स्टेंट बचेगा। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन, एंड एक और आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर वन। तो रो वन को तो मैं चेंज कर नहीं रहा हूँ, तो रो वन विल बी एज इट इज एल एन एक्स एल एन वाई
एल एन जेड, ये हो जाएगा एल एन टू, ये हो जाएगा एल एन टू, और ये हो जाएगा एल एन टू, और ये हो जाएगा एल एन थ्री, ये एल एन थ्री एंड दिस इज ऑल्सो एल एन थ्री. नाउ यू कैन सी कि रो टू और रो थ्री सेम हो गए, नॉट सेम नहीं हुए, मतलब रो टू में सारे एलिमेंट सेम हो गए, तो इसमें से एल एन टू बाहर ले लिया, इसमें से एल एन थ्री बाहर ले लिया, हमें ओरली बता रहा हूँ, इसमें से एल एन टू बाहर ले लिया, इसमें से एल एन थ्री बाहर ले लिया, तो रो टू और रो थ्री क्या हो जाएंगे, वन 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 वन, तो रो टू और रो थ्री सेम हो जाएंगे, हैंस दिस इज जीरो. और ये किसके बराबर दिया है, एल एन पी के बराबर. अब लॉग ऑफ पी जीरो है तो पी कितना हो गया, वन. log p is 0, this implies my p is simply 1. Clear हुआ बच्चों? चलो फिर आगे बढ़े, copy करो इसको, थोड़ा fast कर रहा हूँ मैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा question cover up कर सकूँ तुम्हारे एक lecture में, ठीक है. चलो एक और, if x square plus x 2x square plus 3x minus 1 x square plus 2x plus 3 x plus 1 3x 2x plus 1 x minus 2 3x minus 3 2x minus 1 उसमें रखा है दिस इज इक्वल टू ax plus b, लीनियर फंक्शन है x का, एंड वी हैव टू फाइंड a माइनस टू बी, ए माइनस टू बी हमें निकालना है. तो क्या करो तुम लोग, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से इसको ट्राई करो. चलो मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे. तो एक तरीका तो क्या है कि हम भाई मान लो हमें कोई दिमाग खर्च नहीं करना, ठीक है ना, वी डोंट हैव टू वेस्ट एनी टाइम, नॉट टाइम मतलब दिमाग, टाइम तो बल्कि अच्छे मेथड से कम लगता है. तो मैंने बोला कि ठीक है मैं कोई दिमाग खर्च नहीं करना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंप्लीफाई दिस. अगर सब कुछ सही रहा मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करे तो यू विल गेट इस टाइप का एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जैसे इसको सिंप्लीफाई करके एक लीनियर मिल गया, मान लो ऐसा मिल गया, लेट्स से फाइव, लेट्स से सिक्स एक्स माइनस वन ऐसा मिल गया, तो माई ए सिक्स बी इज माइनस वन, ठीक है ना, वो तो हो गया विदाउट दिमाग खर्च किए. अब हम कुछ, हम तो क्या कर सकते, हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है सो दैट थोड़े छोटे हो जाए टर्म्स. अगर छोटे हो गए तो अच्छी बात है ना, फिर क्या दिक्कत है प्रॉपर्टी लगाने से. तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है इस डिटरमिनेंट में, पॉज करो सोचो, ठीक है, आई होप पॉज किया होगा सोचा होगा, बहुत से बच्चों का आया भी होगा. अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ. तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, जो वेरिएबल है ना, लेट से ये 3x को पकड़ा मैंने, दिस इज एडिशन ऑफ 2x x, दिस 3x अगेन एडिशन ऑफ 2x x, दिस 2x स्क्वायर अगेन एडिशन ऑफ x स्क्वायर x स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं रो 2 में से रो 1 और रो 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो टर्म्स छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना. तो मैंने क्या किया, r2 goes to r2 minus r1 minus r3, रो 2 में से रो 1 और रो 3 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो रो 1 और रो 3 तो चेंज नहीं कर रहा हूं, वो तो एज इट इज लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस x x प्लस वन एक्स माइनस टू, माइनस टू ही है क्या, देख लेता हूँ एक बार, x माइनस टू ही है, एंड ये टू एक्स स्क्वायर, अच्छा पहले मैं सेम वाला चीज लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस वन एंड इट इज टू एक्स माइनस वन. अब चेंज वाला, तो थ्री एक्स माइनस दिस, तो जो हो जाएगा टू एक्स माइनस वन, और इसमें से ये गया तो माइनस टू बचेगा, देखो एक बार, अब मैं इसमें से इन दोनों घटा रहा हूँ, तो दिख रहा है x माइनस टू और x टू एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस थ्री है, थ्री एक्स माइनस थ्री ये जीरो हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल, थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स टू एक्स ये भी कैंसिल, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, देखो एक बार सही है, ठीक है. अब क्या करो, अब अभी भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज एक काम और करते हैं, हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ज़ीरो बना लेते हैं, एक काम करते हैं, मैं इस माइनस टू को ज़ीरो बनाना चाह रहा हूँ इसकी मदद से, या फिर इसको ज़ीरो बनाना चाह रहा हूँ इसकी मदद से. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब कॉलम वन गोज़ टू कॉलम वन माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम टू. तो देखते हैं, तो माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस टू का ट्वाइस, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर 2x minus 4x minus 2x, 3 minus 2, 1, x square, तो ये as it is, x minus 2x minus x,
जीरो माइनस टू माइनस टू, और ये एज इट इज एक्स प्लस वन माइनस टू, टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू जीरो टू एक्स माइनस वन। अब मैं क्या करूँ, कॉलम टू के थ्रू ओपन कर देता हूँ, रो टू के थ्रू ओपन कर देता हूँ, तो ये गया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो मेरा वो बना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू दिस इंटू टू एक्स माइनस वन माइनस, देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, दिस इज वॉट माई ए एक्स प्लस बी। अब मैं देख लेता हूँ कुछ कैंसिल, देखो कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देख लेना तुम अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हुआ हो, क्योंकि इधर मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है, दिस इज एक्स क्यूब दिस इज टू एक्स क्यूब, तो देखना इधर कुछ कैलकुलेशन एक बार, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ, अदरवाइज तुम लोग का टास्क रहेगा इसमें गलती फाइंड करना, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू हैव टू गेट लीनियर, बट ये लीनियर मिल नहीं रहा मुझे, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन थ्री एक्स टू एक्स माइनस, ओहो ये टू एक्स माइनस वन है, टू एक्स माइनस वन है, ठीक है ना, ये भी टू एक्स माइनस वन है, एक बार देख लेते हैं अब इससे आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया था, रो टू चेंज की थी ना, तो ये हटा देते हैं एक मिनट, ठीक है। तो आई रब दिस पार्ट, तो हाँ तभी ये भी जीरो हो जाएगा ना, सही है। देखो इसमें से इन दोनों का एडिशन घटाऊंगा तो 3x माइनस 3x, तो ये जीरो हो जाएगा, 3x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 3 ये भी जीरो हो जाएगा, तो दो जीरो आ गए हमारे ये ऑपरेशन से, ठीक है ना। वो मिस्टेक हो रहा था बिकॉज हमने इधर प्लस 1 लिखा था, और इसमें से इसको घटाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये तो जीरो हो गया, 3x माइनस 3x ये भी जीरो हो गया, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 ये आ रहा है तुम्हारा एक्चुअली, ठीक है ना। तो फाइनली व्हाट आई विल गेट, आई विल ओपन इट विद रिस्पेक्ट टू रो 2, तो ये हो जाएगा माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स, ये गया ये गया, दिस इंटू दिस, तो x प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो टू एक्स स्क्वायर, देखो अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो यू विल गेट लीनियर फंक्शन, तो टू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स प्लस एक्स माइनस फोर एक्स और माइनस टू, दिस इज वॉट माई ए एक्स प्लस बी, तो ये 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस टू एक्स, तो ये हो गया x माइनस वन और माइनस ऑफ ये माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, तो दिस इज x प्लस थ्री एक्स, फोर एक्स माइनस वन प्लस टू, तो फोर एक्स प्लस वन, दिस इज वॉट वी आर गेटिंग ए एक्स प्लस बी, तो a 4 हो गया b इज 1, ठीक है। चलो तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक, और बाकी इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, मान लो एक मिनट के लिए, क्योंकि ये तो एक आइडेंटिटी दे रखा है हमें, ठीक है ना, तो इट इज़ मान लो मुझे सब्जेक्ट अप्रोच से नहीं करना होता, एक मिनट के लिए चलो इससे तुम लोग ट्राई करना, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मान लो तुम्हें इसको ऑब्जेक्ट अप्रोच से करना होता, तो दिस इज एन आइडेंटिटी, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है, तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स, तो आई विल पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा, वी विल गेट बी, वी विल गेट बी, और फिर मैं x की कोई और कंफर्टेबल वैल्यू डाल दूंगा, सो दैट मेरा a और b में एक रिलेशन आ जाए, तो लेट से मैं छोटी वैल्यू डाल रहा हूँ x इक्वल टू 1 डाल दिया, तो उससे मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आ जाएगा, तो मेरे को b पता है इससे a पता चल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी ने ट्राई किया हो, जब मैंने बोला था एक बार खुद से ट्राई करो, तो हो सकता है ऐसा भी किसी ने किया हो, ऑब्जेक्ट अप्रोच हो जाएगी, ठीक है, विच इज़ परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक काम करता हूँ, पीएनसी का एक क्वेश्चन है जो कि बच्चों को मैंने ग्रुप, कुछ बच्चों ने मुझे डाउट पूछा था, ठीक है, तो मैंने बोला था कि व्हाट्सएप पे उसको बताना थोड़ा मुश्किल है समझाना, तो आई विल एड अप इन वीडियो लेक्चर, तो मैं वो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक घंटे होने वाले हैं वैसे भी। तो क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लिख लो, टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी तक के मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालने, और वो ऐसा दे रखा है डायग्राम। चलो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, पूरा नहीं बताता हूँ, एक बार तुम लोगों को और देता हूँ मौका,
दिस इज माई ए, दिस इज माई बी. मैं इंटरमीडिएट स्टेप ये मार्क कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज सी, दिस इज बी, ठीक है ना. तो हमें तो क्या बता रहे हैं, ए से बी तक टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना. एक मैं डायग्राम देख लेता हूँ, करेक्ट लिखा है ना, 1 2 3 1 2 1 2 3, 4 और 3 7 और 4, ठीक है, परफेक्ट है. तो इसको मुझे बताना है नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी. तो देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने अपना नोट्स में लिया था, उसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. उसमें मैंने सिंपल लिया था, लेट से मैंने ऐसे लिया, चलो मैं समझा देता हूँ इसको. लेट से मैंने ऐसे लिया, इतना ही लिया, 2 3 4, चलो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसा बात. लेट से मेरे को ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ एक तरीका. अब मैंने बोला कि ए से बी तक, इसको हमने कैसे उधर समझाया था, ए से बी तक जाने के लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली 4 तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने पड़ेंगे मुझे और 3 वर्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे. अच्छा सुनना ध्यान से, मैंने बोला ए से बी मूव करने के लिए आई हैव टू टेक 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स एंड 3 वर्टिकल स्टेप्स, देन ओनली आई कैन रीच बी विद द शॉर्टेस्ट पाथ. अच्छा अब मैंने बोल रहा हूँ कि ये तो कन्फर्म है कि मेरे को ए से बी तक पहुँचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ से 4 हॉरिजॉन्टल लेने हैं और 3 वर्टिकल स्टेप्स मूव करने हैं, बट इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कुछ भी हो सकता है. इससे मतलब मेरा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं पहले दो स्टेप फॉरवर्ड गया, फिर मैं एक स्टेप ऊपर गया, फिर मैं एक स्टेप लेफ्ट में गया, फिर मेरा मन आया मैंने 2 स्टेप ऊपर गया और फिर मैं एक स्टेप इधर गया. दिस इज वन ऑफ द पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ. इसमें मैंने क्या, देखो ओवरऑल मैंने क्या किया, 1 2 3 4, 4 तो हॉरिजॉन्टल स्टेप लिए, मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 और 3 वर्टिकल स्टेप्स लिए मैंने, 3 वर्टिकल स्टेप्स लिए, 1 2 3. उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब अब कोई आदमी होगा वैसे भी कर सकता है कि नहीं भैया पहले मैं तीनों वर्टिकल स्टेप एक साथ ले लेता हूँ, ऐसे गया और फिर वो तीन हॉरिजॉन्टल स्टेप्स ऐसे ले लिए उसने, सो दिस इज अनदर पाथ. तो इसने क्या किया, तीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिए, 1 2 3 और 4 हॉरिजॉन्टल लिए, 1 2 3 4. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, मतलब हम PNC की लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे कि मेरे पास 4 हॉरिजॉन्टल एरो हैं, 4 वर्टिकल एरो हैं, इनको मेरे को अरेंज करना है, तो क्या तरीका होगा, कितने तरीके होंगे, ठीक है ना. मतलब ऐसे इट इज परम्यूटेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 4 आर आइडेंटिकल, 3 आर आइडेंटिकल, बिकॉज इनका ऑर्डर क्या है वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना. तो मैंने बोला कि अब हम इस पे आते हैं, इस पर देखो. तो मैं कहा पहले तो मैं ए से सी तक आ जाऊँ, फिर ए से सी से डी की कहानी, फिर डी से बी की कहानी. तो मैंने बोला कि ए से सी तक आने के लिए, अच्छा देखो मैं ए से सी तक मैनुअली बता दूंगा तुमको. मैंने बोला ए से सी तक, लेट से ये ए है, ये सी तक है, पहले तो तुम काउंट करो, एक काम करो पहले मैनुअली काउंट करो. तो ए से सी तक मैंने क्या बोला, मुझे 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स मूव करने हैं, 2 वर्टिकल करने हैं. तो मैं क्या करूँगा, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पहले मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ फिर वर्टिकल कर रहा हूँ. तो इट इज समथिंग लाइक परपेटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, 2 आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आर आइडेंटिकल ऑफ अनदर काइंड. तो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दिस विल कम आउट टू बी 6, 24/4, ठीक है. अब मैं एक मिनट के लिए ये काउंट बता देता हूँ डायग्राम से कि वो आ क्या रहा है. तो देखना ध्यान से, वन ऑफ द पाथ इज, पहले एक स्टेप ये गया, फिर ये एक स्टेप ऐसे गया, फिर एक स्टेप ऐसे, फिर एक स्टेप ऐसे, दिस इज़ वन ऑफ द पाथ. मैंने इसमें क्या किया, 2 हॉरिजॉन्टल मूव एक साथ किए, फिर 2 वर्टिकल किए. नेक्स्ट पाथ बना देता हूँ, फिर मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लिया, फिर 2 वर्टिकल लिए, फिर एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, या फिर मैंने पहले दोनों वर्टिकल ले लिए और फिर दोनों हॉरिजॉन्टल ले लिए, ठीक है. फिर मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लिया, अच्छा 2 वर्टिकल, एक वर्टिकल लिया, फिर एक हॉरिजॉन्टल, दोनों हॉरिजॉन्टल ले लिए और फिर एक वर्टिकल ले लिया. अभी 4 होगा काउंट, अभी 6 लाने हैं मुझे. अब और क्या बाकी है, अब मैंने एक आगे लिया, फिर एक ऊपर लिया, फिर एक आगे, फिर एक ऊपर, या फिर एक ऊपर फिर आगे, फिर ऊपर फिर आगे. तो दीज आर माई 6 केसेस, ये जो काउंट है ना 6 मैनुअली मैंने करके बताया, ठीक है ना. तो ही वाला पार्ट तो ईजी था, ए टू सी, ये तो वही टाइप का हो गया, ठीक है ना. 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, 2 वर्टिकल स्टेप्स, तो 4 ऑब्जेक्ट हैं, 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, तो आंसर इज 6. अब आते हैं सी टू डी, ये थोड़ा सा
अच्छा है, और डी टू बी तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है। निंदा तुमने पूछा था मुझसे ये, ठीक है, तो अच्छे से देखना, नहीं आया तो बताना दोबारा व्हाट्सएप पे, समझ में। अब आते हैं सी टू डी, तो एक मिनट के लिए मैं सी टू डी अलग से बना लेता हूँ। दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है ना। अब मैंने बोला एक मिनट के लिए, अब सुनना इसको हम बाइजेक्शन से करेंगे, देखना कितना आसान होगा। एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ इधर मैं डेड डैश लगा देता हूँ, ये पाथ नहीं है बट मैंने डेड डैश लगा दिया। मैंने कहा अगर ये पाथ होता, अगर मैंने बोला ये कंप्लीट, ये पाथ इसमें मिसिंग है ये वाला, तो इधर से मैं मूव तो नहीं कर सकता। अगर ये होता तो मेरे टोटल नंबर ऑफ, तो मेरा आंसर क्या होता अगर ये होता तो बोल रहा हूँ, फिर मैं उसमें से अनफेवरेबल हटा दूंगा। तो अब मुझे ए टू डी जाने के लिए चार तो हॉरिजॉन्टल स्टेप मूव करने हैं, दो वर्टिकल, तो चार हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल, तो टोटल कितने होगा, सिक्स ऑब्जेक्ट, तो सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, ठीक है ना। बट चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज फोर, तो ये हो गया फाइव इंटू सिक्स, ये वन टाइम ये थ्री, तो ये पंद्रह आया। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये पंद्रह करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें से अनफेवरेबल हटाना है ना। अनफेवरेबल कौन सा होगा, इसमें से वो वाला काउंट जिसमें ये पाथ यूज हुआ हो, क्योंकि ये तो अवेलेबल ही नहीं है ना। तो मैंने बोला कि ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें यहाँ से ये वाला पाथ यूज हुआ हो, सोचो वीडियो पॉज करके। मैंने बोला इस 15 काउंट के अंदर ऐसे कितने काउंट होंगे जब ये वाला, ये डेड डैश वाला पाथ यूज़ हो रहा हो, तो आंसर मिलेगा मेरे को वन। कब, देखो ये पाथ यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, ये पाथ यूज़ करने के लिए यहाँ तक तो जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, एक ही तरीका है कि मेरे को तीन हॉरिजॉन्टल स्टेप्स मूव करने ही पड़ेंगे, बिकॉज शॉर्टेस्ट है। एक बार मैं ऊपर मूव कर गया फिर नीचे नहीं आ पाऊँगा, एक बार मैं अगर ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आ पाऊँगा, बिकॉज आई हैव टू यूज शॉर्टेस्ट पाथ। तो इधर रीच करने का आई हैव ओनली वन तरीका, यहाँ तक आने का। उसी तरीके से अब मैं बोलूँगा कि उसी के अंदर व्हाट आई विल डू, अब मेरे को ये पाथ यूज़ करना है, तो डेफिनेटली आई हैव टू मूव फर्दर हियर, एंड अगेन आई हैव टू मूव फर्दर हियर, एंड अगेन आई हैव टू मूव फर्दर हियर। तो इसके अंदर एक काउंट है जो हमारा वैलिड नहीं है, कौन सा वाला, चार हॉरिजॉन्टल स्टेप एक साथ, एक दो तीन चार, और दो वर्टिकल, एक दो, ये वाला जो है, क्योंकि ये वाला पाथ अवेलेबल नहीं है जो डेड डैश कर रहा हूँ मैं, वो मैंने यूज़ किया है। तो मेरा सी से डी जाने के कितने आंसर हो गए, 15 माइनस वन दैट इज 14, 14 आर द नंबर ऑफ वेज, शॉर्टेस्ट वेज टू मूव फ्रॉम सी टू डी। तो इसके मेरे कितने आए थे, आई थिंक 6 आए थे, इसके मेरे आ गए 14। अब इसका और निकालना है, ये बहुत अच्छा पार्ट है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा पार्ट है। तो मैं इस एक काम करता हूँ, इसके लिए तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद एक बार तुम लोग ट्राई करना, नहीं आता है तो फिर मैं हुई बताने के लिए, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ दिस फिगर वंस अगेन, थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ मैं, वन ठीक है। अब मैंने बोला एक मिनट के लिए अगर मान लो हमें इधर डेड डैश इधर ब्लैंक नहीं दिया होता, पूरा फिलअप होता, तो मेरा आंसर क्या होता, माय आंसर विल बी, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ यूजिंग डेड डैश डैश लाइन। तो एक दो तीन चार, फोर हॉरिजॉन्टल एंड थ्री वर्टिकल, तो टोटल आंसर हो जाता 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये मेरा काउंट आता, ये 4 गया, ये 5 6 7, ये 3 फैक्टोरियल 6 गया, 7 5 35 आता कब, अगर ये मेरा पाथ पूरा कंप्लीट होता, लेकिन बीच में मिसिंग है, तो मेरे को इसमें से हटाने अनफेवरेबल। अब मैं क्या करूँगा, अनफेवरेबल हटाऊँगा। तो अनफेवरेबल हटाने के लिए मैंने क्या किया, जो डेड डैश वाली लाइन है उनको नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग कैसे किया, लेट से देखो, 1 2, लेट से ये 3, ये 4। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ वेज निकाल ले रहा हूँ जब मैंने पाथ 1 यूज़ किया, वो मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। नंबर ऑफ वेज जब मैंने पाथ 2 यूज़ किया, नंबर ऑफ वेज मैंने जब पाथ 3 यूज़ किया, नंबर ऑफ वेज जब मैंने पाथ 4 यूज़ किया, वो सारे केसेस माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ वेज इसका, इसी का एक, इसी का जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये पर्टिकुलर पार्ट मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज इन विच आई हैव यूज, इन विच आई हैव यूज पाथ 1,
ये अपने आप में एक क्वेश्चन था उसमें अपना अरियंत के डीपीपी में इसमें क्या नाम है पैराग्राफ में, ठीक है ना। अब जस्ट फोकस कि मुझे पाथ वन यूज़ करना है, मुझे पाथ वन यूज़ करना है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मुझे पाथ वन यूज़ करना है तो कितने तरीके हैं टू रीच, आई हैव टू रीच फ्रॉम डी टू बी, दिस इज माई डी, दिस इज माई बी एंड आई हैव टू यूज़ दिस पाथ। तो इस पाथ को यूज़ करने के लिए पहले तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। तो इधर आने के दो रास्ते हैं, एक तो देखना ये बना रहा हूँ मैं एक, या फिर ये ऐसे तरीके। तो इधर तो आना ही पड़ेगा, तो टू इन टू। अब ये वाला पाथ यूज़ करना है तो मैं यहाँ मूव किया, फिर इधर से मुझे इधर जाना है, तो इधर से इधर मूव जाने के लिए मुझे दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल मूव करने, दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने जैसे किया था 4 factorial divided by 2 factorial विच इज दिस इज 6 to the 12, तो 12 आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला नंबर ऑफ वेज इन विच आई हैव यूज पाथ टू, पाथ टू वाले देख लेते हैं। तो पाथ टू मतलब मुझे यहाँ तो आना ही पड़ेगा, यहाँ आने का कितना तरीका, एक ही तरीका है कि भाई इधर मूव करो फिर इधर मूव करो, यहाँ आ गया, उसके बाद पाथ टू मूव करना है तो मुझे यहाँ तक आना ही पड़ेगा, तो यहाँ तक आ गया मैं। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन आया टू ऑरिजेंटल टू वर्टिकल, तो कितना हो जाएगा 6, जैसे इधर किया था, तो दिस विल बी 6। अब पाथ थ्री के लिए देख लेते हैं, मैं ये सब केसेस अनफेवरेबल है तो वो मैं इसमें से घटाऊंगा। पाथ थ्री, अब मेरे का पाथ थ्री मुझे ये वाला पाथ थ्री यूज़ करना, तो उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, तो यहाँ आने के लिए मुझे दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्या बोला, यहाँ आने के लिए मुझे दो हॉरिजॉन्टल, यहाँ से यहाँ आना है तो दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो क्या हो जाएगा 2 plus 1 3 factorial divided by 2 factorial which is 3। अब मैं यहाँ आ गया, अब मैंने यहाँ आ गया, पाथ थ्री यूज़ किया, मैं यहाँ आ गया, अब अगेन यहाँ से दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो 3 factorial, एक मिनट, यहाँ आ गया मैं, तो दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बिल्कुल 3 factorial divided by 2 factorial विच विल बी 9। एंड लास्टली पाथ फोर, अब मैं पाथ फोर का इधर लिख रहा हूँ, पाथ फोर के लिए, पाथ फोर के लिए, तो अगेन पाथ फोर के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, पहले तो यहाँ आने के दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो 3 multiplied by, फिर यहाँ पाथ फोर यूज़ करना है तो मैं यहाँ आ गया, अब मेरे को अगेन एक हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल, तो अगेन 3 factorial divided by 2 factorial which is 3, तो दैट इज 9। तो टोटल काउंट कितना हो गया मेरा, पाथ वन का 12, पाथ टू का 6, पाथ थ्री का 9 और इसका 9, तो 9, 9, 18 और 30 और ये 36। तो टोटल काउंट कितना हो गया इसका, टोटल काउंट यहाँ से यहाँ तक 36। अब कोई बोलेगा सर हमने इधर 35 निकाला था और अनफेवरेबल माइनस अनफेवरेबल 36 आ गए। अब तुम्हारा टास्क है, ठीक है ना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा तुम्हें, इसके बाद क्या करें, क्या गड़बड़ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा टोटल काउंट 35 आ रहा था और अनफेवरेबल मेरा 36 आ रहा है, तो 35 minus 36 ये तो नेगेटिव में आ गया आंसर, विच इज़ ऑफकोर्स रॉन्ग। तो अब तुम्हें सोचना है इसका, ठीक है ना, कि क्या गलती हो रही है। ओके, तो इसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं, देख लेता हूँ एक आध क्वेश्चन और है क्या मेरे पास, सो दैट आई विल गिव यू होमवर्क। चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ये जरूर सोचना, ठीक है ना, देखते कौन बताता है। ये 35 आया टोटल, अनफेवरेबल 36 आ गया, तो कहीं ना कहीं तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है वो चीज़ बताना है तुम्हें, ठीक है। और इसका जो मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ फाइनल, दैट आई विल सेंड इन द ग्रुप, ठीक है, रब कर रहा हूँ, अच्छे से कॉपी करो इसको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है ये, स्पेशली ये डी से बी वाला है ना, बहुत अच्छा है। चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के दे रहा हूँ डिटर्मिनेंट के बेसिस पे, ये तो मैंने इसलिए बीच में ले लिया था, किसी बच्चे का रिक्वेस्ट था कि समझाना था उसको। चलो लिखो, इफ सिंपल क्वेश्चन है, 1 cos alpha cos beta cos alpha 1 cos gamma cos beta cos gamma 1, इफ दिस इज इक्वल टू 0 cos alpha cos beta, यू हैव टू सिंपली ओपन द डिटर्मिनेंट्स, cos alpha cos gamma, वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कुछ, cos beta cos gamma 0, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, दिस इज अ वन। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ पी बी सी ए क्यू सी ए बी आर, ये मैंने एडवांस में से लिया है, सिंपल है क्वेश्चन, देन फाइंड
पी अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ दिस इज जीरो. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर अपन एंड अप करते हैं अभी का लेक्चर यहीं पे और फिर कल मिलते हैं. ओके, थैंक यू.